आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों नीलम संजीवा रेड्डी की, भारत के छठे राष्ट्रपति, एक बहुत ही बड़े लीडर और एक ऐसे इंसान जो सबसे ज्यादा क्वालिफाइड थे राष्ट्रपति पद के लिए। इनके पास सारी इंपॉर्टेंट पोजिशंस ऑलरेडी रह चुकी थी। अब क्या क्या इनकी पोजिशंस थी हम देखते हैं। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके थे, ये यूनियन मिनिस्टर रह चुके थे इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की कैबिनेट में, ये फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश थे, ये लोकसभा के स्पीकर रह चुके थे, एक बार राष्ट्रपति चुनाव ऑलरेडी लड़ चुके थे। तो भैया नीलम संजीवा रेड्डी बहुत ज्यादा क्वालिफाइड थे, सारी की पोजीशन इनके पास रही थी, लेकिन उसके बावजूद बड़ा ड्रामा हुआ। क्या था हम देखेंगे। रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है, यही डीपी लगी हुई है, तो सर्च करने में आसानी होगी। दोनों ही जगह पीडीएफ ले लीजिए, सवाल पूछ लीजिए। स्टडी आईक्यू के टैबलेट और पेन ड्राइव कोर्सेज हर एग्जाम्स के लिए आता है, पिन नंबर्स पर कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए। दोस्तों हमने सारे राष्ट्रपतियों की बायोग्राफी जो है वो हमको रिव्यू करनी है, कुछ की मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं और कुछ की करूंगा। तो दोस्तों 1947 के बाद, वैसे भारत में राष्ट्रपति 1947 के बाद ही आए थे क्योंकि हमारा कानून 1950 में बना था, तो जितने भी प्रेसिडेंट्स आए उनकी बायोग्राफी हम रिव्यू करेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बायोग्राफी मैं ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूं, एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद और नीलम संजीवा रेड्डी की बायोग्राफी देख रहे हैं, इन पांचों की बायोग्राफी मैं रिव्यू कर चुका हूं। ज्ञानी देव सिंह, आर वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण, इनकी बायोग्राफी नहीं है, जल्द कर दूंगा। एपीजे अब्दुल कलाम और रामनाथ कोविंद की बायोग्राफी मैं कवर कर चुका हूं। प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी की बायोग्राफी नहीं है। साथ ही साथ मैंने प्राइम मिनिस्टर सीरीज कंप्लीट कर दी है। दोस्तों अगर आपको इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस के बारे में जानना है तो प्राइम मिनिस्टर सीरीज को पूरा देख लीजिए, अच्छे से पता चल जाएगा कि 2019 तक क्या सिनारियो है, और यह सीरीज भी फॉलो कर लीजिए तो आपको बहुत कुछ पता लग जाएगा, ज्ञान का पूरा भंडार है। तो अगर नीलम संजीवा रेड्डी की बात करें तो 19 मई 1913 में इनका जन्म हुआ था, सिक्स्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे 1977 से लेकर 1982 तक। ऐसा क्यों हुआ था दोस्तों, क्योंकि फखरुद्दीन अली अहमद का 1977 में हार्ट अटैक से देहांत हो गया था, सेकेंड प्रेसिडेंट टू डाई इन ऑफिस। तो यहां पे दोस्तों नीलम संजीवा रेड्डी का बहुत शानदार करियर रहा था, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के ये अध्यक्ष रह चुके थे और यहीं से ही उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश रह चुके थे, स्पीकर ऑफ लोकसभा थे, यूनियन मिनिस्टर थे और उसके बाद उस समय तक ये यंगेस्ट इंडियन प्रेसिडेंट थे। तो भैया ये सारी चीजें, सारी पोजीशन इनके पास थी। रेड्डी का जन्म अनंतपुर में हुआ था दोस्तों, मद्रास प्रेसिडेंसी, अनंतपुर, इस समय अनंतपुर आंध्र प्रदेश में है। 19 मई 1913 में इनकी शुरुआती पढ़ाई थियोसॉफिकल हाई स्कूल से हुई और उसके बाद इन्होंने अनंतपुर में ही अपने एक कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन पास किया। आपको बता दूं दोस्तों कि अगर हम नीलम संजीवा रेड्डी की बात करते हैं तो इन्होंने जो शुरुआत की थी वो यहीं से ही की थी। महात्मा गांधी कैसे लीडर थे, महात्मा गांधी ने जिन जिन को बोला और जहां जहां गए वहां वहां लोगों ने उनको फॉलो किया, और जिन जिन को बोला कि आप जो है सारे सरकारी पद छोड़ दो, सरकारी कॉलेज में अगर पढ़ रहे हो वो छोड़ दो, तो सबने वैसा ही किया, बड़े बड़े लोग गांधी जी को फॉलो करने लगे थे। तो यहां पे भी यही हुआ। अब हम प्रेसिडेंसी की बात कर लेते हैं। अक्सर मैंने प्रेसिडेंसी प्रेसिडेंसी बोला है, काफी लेक्चर्स में बोला है, तो बता दूं कि उस समय भारत में तीन प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, तीन एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स थे। सबसे पहले तो मद्रास प्रेसिडेंसी, आज आप आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, इन सबको अलग देख रहे हैं, उस समय नहीं था, उस समय ये सब कुछ एक था और मद्रास प्रेसिडेंसी के ही अंदर आता था पूरा साउथ, फिर बंगाल प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी, और भारत के 8 प्रोविंस भी थे, आई होप ये चीज आपको पता है। तो यहां पे दोस्तों मद्रास प्रेसिडेंसी में ही रेड्डी का जन्म हुआ था, लेकिन 1931 में उन्होंने अपने कॉलेज को छोड़ दिया था जब महात्मा गांधी जी ने अनंतपुर में विजिट किया था, और वहां पे जब लोगों को उन्होंने उनकी राष्ट्र भावना को जगाया था, प्रज्वलित किया था, उसी को ही देखते हुए रेड्डी ने सब कुछ छोड़ दिया और इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर ली। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट उस समय चल रहा था, उसको ज्वाइन कर लिया। यहां पे दोस्तों आंध्र प्रदेश प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी के भी सेक्रेटरी चुने गए और उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ
उसकी वजह से इनको जेल भी जाना पड़ा। क्विट इंडिया मूवमेंट में आपको पता ही है दोस्तों, सारे बड़े बड़े लीडर्स को उठा के जेल में डाल दिया गया था। 1940 से लेकर 1945 तक जेल में इनका आना जाना लगा रहता था, जेल इनका दूसरा घर हो गया था। लेकिन 1945 के बाद जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी, जब लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, तो इसमें भी इनको मेंबर बनाया गया और 1949 से लेकर 1951 तक ये मद्रास स्टेट में मिनिस्टर फॉर प्रोहिबिशन हाउसिंग एंड फॉरेस्ट भी थे। तो इनका जो कैलिबर था उसको पूरी तरीके से यूज किया गया था, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस ने इनको यूज किया था, यूज इन द सेंस कि अच्छे टर्म्स में, अच्छे तरीके से इनको यूज किया गया था, इनके स्किल्स को यूज किया गया था, क्योंकि उस समय इंटेलेक्चुअल्स की बहुत ज्यादा जरूरत थी। अब दोस्तों यहां पे भारत आजाद होता है, आजाद भारत के चुनाव होते हैं 1952 में फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन और 1951 में मद्रास प्रेसिडेंसी, मद्रास में सिलेक्शन। यहां पे दोस्तों जब 1951 में मद्रास में इलेक्शन हुए तो मद्रास में इंडियन नेशनल कांग्रेस जीती, ठीक है, सारे स्टेट में ही जीती थी वैसे तो, ज्यादातर स्टेट्स में जीती थी, यहां पे जीती और लोकसभा में भी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूरा सुपड़ा साफ कर दिया। तो सेंटर और स्टेट दोनों में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस का दबदबा था। अब उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के दो ग्रुप हुआ करते थे, अगर हम मद्रास की बात करें, एक तो टी प्रकाशम का ग्रुप और दूसरा सी राजगोपालचारी का ग्रुप। सेम चीज सेंटर में, एक नेहरू जी का ग्रुप और एक पटेल जी का ग्रुप, सरदार वल्लभ भाई पटेल का ग्रुप, ठीक है। तो यहां पे दोस्तों ऐसा था कि जब मद्रास में चुनाव हुए उसके बाद बहुत ही जल्द सी राजगोपालचारी को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। तो यहां पे एक अलग स्टेट की मांग उठने लगी, एक अलग स्टेट कौन सा, तेलुगु स्पीकिंग मेजोरिटी, पूरा का पूरा वो पार्ट काट के हमको अलग दे दो, हमको एक अलग स्टेट चाहिए, आंध्र प्रदेश, जिसका नाम दिया गया। अब यहां पे दोस्तों आपको पता ही है पुट्टी श्री रामलु जो है वो अनशन पे बैठ गए थे और उन्होंने अपने जीवन को भी कुर्बान कर दिया था आंध्र प्रदेश के लिए। तो यहां पे दोस्तों आंध्र प्रदेश बनाया गया, 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश बना, भारत का पहला लिंग्विस्टिक स्टेट और रेड्डी को पहला चीफ मिनिस्टर बनाया गया 1956 से लेकर 1960 तक और फिर 1962 से लेकर 1964 तक। अब यहां पे दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी की भी कैबिनेट में ये मिनिस्टर थे। मीनवाइल दोस्तों जो चौथी लोकसभा बैठी थी 1967 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें भी जो चौथी लोकसभा बैठी थी उसके भी ये स्पीकर चुने गए थे, तो लोकसभा के भी स्पीकर थे और तीन बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके थे। तो आप देख सकते हैं ना, इन्होंने बहुत कुछ किया। हालांकि जब ये लोकसभा के स्पीकर चुने गए तब इन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। आपको पता ही है ना कि लोकसभा स्पीकर को बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहना होता है, ऐसा नहीं कि कोई पार्टी को वो सपोर्ट करे, बिल्कुल बायस्ड नहीं होना चाहिए किसी भी स्पीकर को, ठीक है। जो भी ऑफिशियल पोजीशन दी जाती है आप बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप कोई पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो इन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन दोस्तों 1969 के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे उसमें बड़ा ड्रामा हुआ। इंदिरा गांधी को बहुत जल्द समझ में आ गया था कि जो कांग्रेस में सिंडिकेट है वो मुझे जीने नहीं देगा। इंदिरा गांधी के डिसीजन बिल्कुल कांग्रेस से अलग जा रहे थे। अब वो मैंने पूरा कवर किया है दोस्तों, वीवी गिरी की जब बायोग्राफी कवर की थी आपको याद ही है क्या हुआ था दोस्तों, कामराज बूढ़े हो गए थे, एक बूढ़ा शेर उनको बोला जाने लगा था। तो कामराज का ही जो ग्रुप था उसी के ग्रुप में से एक और बहुत बड़े नेता एस निजलिंगप्पा को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। तो यहां पे दोस्तों कांग्रेस की तरफ से जब 1969 में राष्ट्रपति के चुनाव होने थे तो कांग्रेस की तरफ से जो उम्मीदवार थे वो नीलम संजीवा रेड्डी, लेकिन नीलम संजीवा रेड्डी इंदिरा गांधी को कोई खास पसंद नहीं थे, ना ही इंदिरा गांधी नीलम संजीवा रेड्डी को पसंद थी। तो यहां पे दोस्तों इंदिरा गांधी के कौन कैंडिडेट थे, वीवी गिरी, और विपक्ष के कौन कैंडिडेट थे, सीडी देशमुख। हालांकि लड़ाई रेड्डी और वीवी गिरी में ही थी जिसमें कि वीवी गिरी जीते और वीवी गिरी राष्ट्रपति चुने गए। अब दोस्तों 1971 में फिर इलेक्शन हुए, 1971 में बंपर बहुमत हासिल की, बहुत वोट मिले थे इंडियन नेशनल कांग्रेस को। यहां पे दोस्तों नीलम संजीवा रेड्डी ने इस्तीफा दे दिया था उस समय और पॉलिटिक्स से ही रिटायर हो गए थे और उसके बाद फिर वो अपने गांव चले गए थे, वहां पे खेती बाड़ी करने लगे थे। 1971 की बात है क्योंकि अब उनका क्या काम, लेकिन दोस्तों अभी उनका काम पूरा नहीं हुआ, अभी सेकेंड इनिंग्स खेलनी बाकी है। दोस्तों ऐसा है कि जब ये सारी चीजें हुई
उसी समय आपको पता ही है राज नारायण ने केस डाल दिया था इंदिरा गांधी के ऊपर कि 1971 में भयंकर तरीके से इन्होंने सरकारी संसाधनों का गलत इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो यहां पे इंदिरा गांधी के खिलाफ केस डाल दिया और जस्टिस सिन्हा इलाहाबाद कोर्ट के जो जज थे जस्टिस सिन्हा, उन्होंने इन सारे आरोपों को सही पाया और इंदिरा गांधी को दोषी करार दे दिया गया। इंदिरा गांधी का मूड खराब हो गया, 1975 में इमरजेंसी लगा दी। इसी समय दोस्तों, इसी दौरान क्या हो रहा था, जयप्रकाश नारायण का पूरा वो जो टोटल रेवोल्यूशन और ये जो जेपी मूवमेंट है वो पूरा चालू था। तो यहां पे क्या हुआ था कि जब जयप्रकाश नारायण एक बार शहर में आए हुए थे तो उनकी इस रैली को, जयप्रकाश नारायण को भाषण देना था, तो इस रैली को, इस संबोधन को अटेंड करने चले गए थे नीलम संजीवा रेड्डी। अब वो बैठे हुए थे, हालांकि उनकी मंशा नहीं थी कि वो जयप्रकाश नारायण को ज्वाइन करेंगे, वो तो सिर्फ सुनने गए थे, लेकिन कहीं खबर पहुंच गई जयप्रकाश नारायण को कि नीलम संजीवा रेड्डी आए हैं। तुरंत जयप्रकाश नारायण ने नीलम संजीवा रेड्डी को स्टेज पे बुलाया और उसके बाद जो दोस्ती है दोनों की वो शुरू हो गई। जयप्रकाश नारायण बहुत ज्यादा पसंद करने लगे नीलम संजीवा रेड्डी को, और ना चाहते हुए भी नीलम संजीवा रेड्डी को वहां पे जाना पड़ा। लेकिन फिर उसके बाद जो उन्होंने शुरू किया है उसके बाद वो रुके ही नहीं। 1977 में दोस्तों जनता पार्टी आई, इमरजेंसी खत्म हुई, जनता पार्टी आई, इलेक्शन हुए, जनता पार्टी जीत गई, मुरारजी देसाई को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। लेकिन मुरारजी देसाई नीलम संजीवा रेड्डी से बहुत ज्यादा उनको पसंद नहीं करते थे, लेकिन जेपी बहुत ज्यादा पसंद करते थे नीलम संजीवा रेड्डी को। अब जयप्रकाश नारायण नीलम संजीवा रेड्डी को तो बिल्कुल पसंद करते थे, लेकिन मुरारजी देसाई और जयप्रकाश नारायण के रिश्ते कुछ ज्यादा अच्छे नहीं थे। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया, जयप्रकाश नारायण और मुरारजी देसाई के रिश्ते खराब होते गए, और मुरारजी देसाई हमेशा रेड्डी को जयप्रकाश नारायण ग्रुप का ही माना करते थे कि ये तो इन्हीं के ही आदमी हैं, तो इनकी एंट्री तो मैं बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। राष्ट्रपति का चुनाव आ गया दोस्तों 1977 में, आपको पता ही है 1977 में, मैंने पिछली बायोग्राफी में बताया था कि फखरुद्दीन अली अहमद का देहांत हो गया था, हार्ट अटैक हो गया था, तो ही वॉज द सेकेंड प्रेसिडेंट टू डाई इन ऑफिस। तब तक जो वाइस प्रेसिडेंट थे बीडी जट्टी, वो कार्यभार संभाल रहे थे। आपको पता ही है कि अगर कुछ ऐसा हादसा हो जाता है और प्रेसिडेंट की पोस्ट वेकेंट हो जाती है तो वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करता है, तो बीडी जट्टी उस समय प्रेसिडेंट थे। अब यहां पे दोस्तों राष्ट्रपति का जो चुनाव था ये भी बड़ा ड्रामेटिक हुआ था। आपको पता है कि इनके अगेंस्ट में कोई था ही नहीं, सारी की सारी पार्टी ने नीलम संजीवा रेड्डी को सपोर्ट किया था, और नीलम संजीवा रेड्डी की भी यही शर्त थी कि मेरा कोई विरोध नहीं करेगा, क्योंकि 1969 में एक बार वो ऑलरेडी इलेक्शन हार चुके थे, लेकिन उसके बाद अब जब वापस आए तो बिल्कुल भी ये नहीं चाहते थे। अब यहां पे दोस्तों आपको बता दूं कि टोटल 37 नामांकन हुए थे, 37 कैंडिडेट्स वॉज नॉमिनेटेड फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, 37 में से 36 कैंडिडेट का नामांकन कैंसल कर दिया गया था रिटर्निंग ऑफिसर ने, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। यहां पे दोस्तों जब नामांकन हो रहा था तो जनता पार्टी के मुरारजी देसाई ने बोला था कि भैया एक काम करते हैं, क्या काम, एक ऐसे इंसान को प्रेसिडेंट बनाते हैं जो थोड़ा हटके हो। मतलब क्या हुआ, मतलब यह है कि मैं जाता हूं कि रुक्मणी अरुंधति प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए, मतलब हमारी जो दावेदार हो अरुंधति रुक्मणी अरुंधति हो, तो रुक्मणी अरुंधति उस समय दोस्तों डांसर थी, बहुत बड़ी डांसर थी भरतनाट्यम की, तो यहां पे कम्युनिस्ट पार्टी ने अपोज किया और बहुत सारी पार्टी ने अपोज किया, तो बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद नाम उठा कि एस निंजलिंगप्पा, इनको राष्ट्रपति बना देते हैं, इनकी दावेदारी भी मजबूत है, लेकिन दोस्तों एस निंजलिंगप्पा की दावेदारी तो मजबूत थी लेकिन उस पर सहमति इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि उस समय बीडी जट्टी और निंजलिंगप्पा दोनों ही लिंगायत समुदाय से आते थे, तो भैया प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों एक ही कम्युनिटी का, ये कुछ बात जमेगी नहीं, लोगों के लिए खराब मैसेज जा सकता है, तो यहां पे इनका भी नामांकन जो है वो रद्द कर दिया गया। बहुत सारे नाम आए दोस्तों लेकिन एक एक करके सहमति किसी पे नहीं बन पाई, सिर्फ और सिर्फ नीलम संजीवा रेड्डी इकलौते ऐसे कैंडिडेट थे जिनपे सर्वसम्मति बनी और हर पार्टी ने इनको सपोर्ट किया, आराम से इनको प्रेसिडेंट बनाया गया 1977 से 1982 तक। ये भारत के राष्ट्रपति बने, छठे राष्ट्रपति बने। बताओ राष्ट्रपति दोस्तों, इनका जो टेन्युअर था वो भी विवादों में रहा था। अब दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि मुरारजी देसाई और संजीवा रेड्डी की कोई बहुत ज्यादा बनती नहीं थी, जिस तरीके से संजय गांधी, इंदिरा गांधी
इंदिरा गांधी की छत्र छाया में पल रहे थे और जो भी बड़े बड़े फैसले लिए जाते थे वो संजय गांधी करते थे, ठीक वैसे ही कांति देसाई मोरारजी देसाई के बेटे ये भी एकदम ऐसा ही करने लगे थे। काफी ज्यादा इनके ऊपर करप्शन के इल्जाम जो है वो लगने लगे थे। तो एक तरीके से नीलम संजीवा रेड्डी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तो ज्यादा पसंद नहीं करते थे वो मोरारजी देसाई से। दूसरी चीज ये थी दोस्तों कि इतनी ज्यादा जनता पार्टी में अंदरूनी इतनी टूट फूट हो गई थी कि क्या बताए, बिल्कुल बहुत सारे धड़े बन गए थे, छोटे छोटे ग्रुप्स बन गए थे जनता पार्टी के अंदर, जिसकी वजह से पार्टी कोलैप्स कर गई। 1979 में ये पार्टी कोलैप्स कर गई, मोरारजी देसाई को इस्तीफा देना पड़ा। अब यहां पे प्राइम मिनिस्टर अगला कौन होगा? देखिए दोस्तों, मोरारजी देसाई के पास काफी एमपीज थे, ठीक है, मोरारजी देसाई के पास 205 एमपीज थे। दूसरे थे चौधरी चरण सिंह। अब चौधरी चरण सिंह जो है यहां पे दोस्तों नीलम संजीवा रेड्डी, ऐसा बोला जाता है कि नीलम संजीवा रेड्डी के दोस्त थे और कहीं ना कहीं नीलम संजीवा रेड्डी ये चाहते थे कि चरण सिंह जो है वो अगले प्रधानमंत्री बने, जिसकी वजह से मोरारजी देसाई और चरण सिंह दोनों ने ही दावा पेश किया सरकार बनाने का। लेकिन मोरारजी देसाई के पास ज्यादा एमपी होने के बावजूद नीलम संजीवा रेड्डी को बहुत ज्यादा मतलब कुछ गड़बड़ लगी, ठीक है। तो यहां पे मोरारजी देसाई का नाम मतलब इनका दावा जो है वो खारिज कर दिया गया और मोरारजी देसाई हालांकि दावा पेश करने से पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, वो नहीं चाहते थे कि उनके खिलाफ कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन आए। उनको पता था कि अविश्वास प्रस्ताव आना ही आना है और मेरी सरकार को गिराया जाना है, तो उन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया और उसके बाद फिर उन्होंने राजनीतिक जीवन से ही संन्यास ले लिया। अब दूसरे कौन बचे? चौधरी चरण सिंह। सिर्फ और सिर्फ 80 एमपी थे चौधरी चरण सिंह की। और आपको बता दूं कि इन्होंने चौधरी चरण सिंह ने कभी भी पार्लियामेंट को फेस नहीं किया, क्योंकि इनकी सरकारी बहुत कम दिन तक रही। इनकी सरकार दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 24 दिनों तक रही, सिर्फ और सिर्फ 24 दिनों तक, तो सिर्फ इतने ही दिनों तक सरकार रही। अब आप सोचेंगे कि इनके पास तो एमपीज बहुत ज्यादा कम है, तो सपोर्ट कहां से मिला इनको? अब यहां पर इंदिरा गांधी ने बोला था कि मैं आपको सपोर्ट दे दूंगी, कांग्रेस सपोर्ट देने को तैयार थी चौधरी चरण सिंह को, लेकिन शर्त यह थी कि जो भी मेरे ऊपर जितने ये आपने मतलब इतने सारे पुलिस वाले और इतनी जांच जो बिठा रखी है, राहत मिलनी चाहिए मुझे और संजय गांधी को। तो ये बिल्कुल भी नीलम संजीवा रेड्डी को बर्दाश्त नहीं था, ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल था, तो इस पे बात नहीं बन पाई। सिर्फ और सिर्फ 24 दिनों तक ही चौधरी चरण सिंह की सरकार रही और ये कोलैप्स हो गए। उसके बाद नीलम संजीवा रेड्डी ने इलेक्शन बोल दिया कि अब इलेक्शन होंगे। तो यहां पे जब इलेक्शन की इन्होंने घोषणा की तो इसके लिए भी नीलम संजीवा रेड्डी का बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ और बोला गया कि ये भी चरण सिंह के ही कहने पे इन्होंने किया है। हालांकि इन्होंने अपनी आत्मकथा में कुछ और ही लिखा है कि जो मुझे करना था वो ही मैंने किया। तो यहां पे नीलम संजीवा रेड्डी का भी जो करियर है वो काफी विवादों में रहा है। लेकिन दोस्तों इलेक्शन हुए, दोस्तों 1980 में इलेक्शन हुए और उसके बाद कांग्रेस सरकार आई, इंदिरा गांधी की फिर सरकार बनी और यहां पे नीलम संजीवा रेड्डी ने फिर बहुत सारे डिसीजंस पास किए। नीलम संजीवा रेड्डी ने कुछ और ज्यादा ऑर्डिनेंस पास किए और यहां पे दोस्तों और ज्यादा पावर्स जो है वो दी गई सरकार को। यहां पे सरकार जो है इन्होंने कैसा ऑर्डिनेंस पास किया था कि सरकार किसी को भी बंद कर सकती थी 1 साल अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन। अगर हमको शक भर है कि ये प्रॉब्लम करेगा तो हम उसको बंद कर देंगे। दूसरी चीज, 9 राज्यों में जहां पे ऑपोजिशन का रूल था सस्पेंड कर दिया था और सीधा प्रेसिडेंट रूल लगा दिया था। तो ये भी नीलम संजीवा रेड्डी, काफी कॉन्ट्रोवर्सी इस पे भी हुई थी। तो ये सारी चीजें थी। उसके बाद दोस्तों 1982 में इनका कार्यकाल पूरा हुआ और जब 1982 में इनका कार्यकाल पूरा हुआ, एक तरीके से उतार चढ़ाव बढ़ा इनका जो पूरा कार्यकाल था वो रहा था। यहां पे इन्होंने एक चीज बोली थी, जब इन्होंने फेयरवेल दिया था अपना, जो इन्होंने भाषण दिया था, तब इन्होंने ये बोला था कि बहुत जबरदस्त विपक्ष होना चाहिए, अगर विपक्ष अच्छा नहीं होगा, ऑपोजिशन अच्छा नहीं होगा, तो देश तरक्की नहीं कर पाएगा। तो ऑपोजिशन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों 1980 में जब इलेक्शन हुए थे तो ऑपोजिशन बचा ही नहीं था, विपक्ष बचा ही नहीं था, विपक्ष के पास इतनी सीटें नहीं थी कि वो विपक्ष बना पाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। 1980 से लेकर 1982 तक इन्होंने काफी यात्राएं भी की, ठीक है, ये बाहर घूमे, यूएसएसआर, बुल्गेरिया, केनिया, जैम्बिया, यूके, आयरलैंड, इंडोनेशिया, नेपाल, श्रीलंका और यूगोस्लाविया। जब ये रिटायर हुए तो इनको ऑफर मिला, ठीक है, उस समय जो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर थे, ठीक है, रामकृष्ण हेगड़े, उन्होंने ये बोला था कि आप यहाँ पे आ जाइए, बैंगलोर में आ जाइए, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, अब मैं सीधा रिटायर होना चाहता हूँ। फाइनली 1982 में ये रिटायर हो गए और 1996 में इनका देहांत हो गया, 83 साल के थे दोस्तों ये, ठीक है।
जो भी था दोस्तों, लेकिन एक बहुत ही इलस्ट्रियस, बहुत ही बड़ा और बहुत ही शानदार करियर रहा है नीलम संजीवा रेड्डी का। इन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी हुई है विदाउट फियर और फेवर, जो कि 1989 में पब्लिश हुई थी, तो आप पढ़ सकते हैं उसको। ये लेक्चर था दोस्तों नीलम संजीवा रेड्डी, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट सीरीज जारी रहेगी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। आशा करता हूं